मुझे कल कुछ फोन आए जिसमें ये बताया गया कि अभी तक जो पुलिस एक बड़ी बात छुपा रही है वो ये है, पुलिस अपने बयानों में अब तक ये बता रही है कि पहली कॉल इस इंसिडेंट की 3:22 पे आई है, जबकि मुझे फोन करके किसी ने बताया है कि उसके अपने भाई ने इस हादसे की पीसीआर कंप्लेंट 112 नंबर पर रात को 2:18 पे की है और उसके 5 मिनट बाद उसके पास पीसीआर से फोन भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि सारी पुलिस चौकियों पर और पीसीआर पे ये मैसेज फ्लैश कर दिया गया है कि ग्रे कलर की गाड़ी इस तरीके से एक लड़की को घसीटती हुई ले जा रही है। जब कमिश्नर साहब से मैंने आज पूछा कि क्या ये सही है कि पहली पीसीआर कॉल आप जो अब तक बता रहे थे उससे भी 1 घंटे पहले की है, तो कमिश्नर साहब ने इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया और कहा है कि जितनी भी कंप्लेंट्स और पीसीआर की कॉल आती हैं वो सारा का सारा डेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध रहता है। तो मैं आप पत्रकारों से ये बात रखना चाहता हूँ कि ये मामला ये नहीं है कि 1 घंटे की देरी हुई, ये मामला है कि 2 घंटे की देरी हुई। और हमने कमिश्नर साहब से ये भी पूछा कि वो आपके डीसीपी जिन्होंने फोन करके पत्रकारों को धमकाया और फोन करके पत्रकारों के ट्वीट डिलीट कराए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि शायद इस बच्ची के साथ रेप हुआ हो, रेप की कोशिश हुई हो, तो उस डीसीपी को क्या हक था कि इस तरीके से पत्रकारों को धमकाया जाए। और दूसरा, एक पत्रकार को इन्होंने अरेस्ट किया, बंद रखा थाने के अंदर क्योंकि उसने पुलिस से सवाल किए, तो डीसीपी साहब ने उस पर दुख तो जताया और कहा कि हम कुछ करेंगे मगर क्या करेंगे ये अभी तक नहीं बताया। तीसरी बात हमने पूछी कि जो मीडिया की लड़कियां जर्नलिस्ट इस खबर की सच्चाई को निकालने थाने पहुंची, उनको पुलिस के जेंट्स लोगों ने मैन हैंडल किया, बदतमीजी की, धक्का मुक्की की और वो टीवी पे वीडियो पे साफ मौजूद है। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम उसको देख रहे हैं मगर व्यवहार डीसीपी साहब का अच्छा था, मगर कोई ठोस बात उन्होंने नहीं की कि डीसीपी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे और अपने पुलिस वालों के ऊपर क्या एक्शन लेंगे। हमें उम्मीद थी कि वो कोई ठोस बात दिल्ली के लोगों को बताएं कि किन लोगों को बर्खास्त करेंगे और किन लोगों को सस्पेंड करेंगे। और ये सवाल हम एक बार पूछ सके, आप लोग ये सवाल बार बार पूछिएगा। सर, क्या दिल्ली सरकार फैमिली के जो विक्टिम है उसकी फैमिली को राहत पैकेज या सांत्वना के तौर पर कोई उनकी फैमिली? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस फैमिली की हर संभव मदद की जाएगी। बच्ची की माँ जो है वो बीमार है, उनको किडनी की समस्या है, उनकी भी मदद की जाएगी, आर्थिक मदद भी की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को ये कह दिया है, दिल्ली का सबसे बढ़िया क्रिमिनल लॉयर उस लड़की को दिया जाएगा ताकि अगर पुलिस की कुछ कमियां भी हो तो उस कमियों को जो है हम पार पा सके। मगर एक बात मैं आप सभी क्राइम के रिपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, एक बार एफआईआर को कमजोर कर दिया जाए तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको फिर कोई ठीक नहीं कर सकता। और ये काम जो है कल उन अफसरों ने किया, एक बच्ची की एफआईआर को, जो बच्ची आज दुनिया में नहीं है, उसकी एफआईआर को इस तरीके से कमजोर किया, 15 घंटे तक पोस्टमार्टम को डिले किया, कई 15 घंटे तक तो एफआईआर डिले करी, पोस्टमार्टम तो 36 घंटे से ज्यादा उन्होंने डिले किया। और इसका कोई जवाब है नहीं कि क्यों ऐसी लचर एफआईआर इतनी डिले के बाद की गई और क्यों पोस्टमार्टम को इतने देर तक डिले किया गया, क्यों उस बच्ची की मां को उस बच्ची की बॉडी की शिनाख्त नहीं कराई गई, क्यों आईओ ने उस बच्ची की मां से कोई संपर्क नहीं किया, क्यों बच्ची के पूरे के परिवार को अंधेरे में रखा गया। इसके अंदर एक बात का इंडिकेशन बड़ा साफ है कि जो लोकल पुलिस थी वो मामले को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही थी,
एफआईआर को कमजोर कर रही थी और आरोपियों की वकालत कर रही थी।